देश में चुनावी बिसात बीत चुकी है, लेकिन अब बिहार के उस फैमिली ड्रामे की बात कर रहे हैं जो लगातार हम बीते दिन से देख रहे हैं। चिराग पासवान की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनके चाचा ने भी जो बगावती तेवर अपनाए हैं, पार्टी से जिस तरह से उन्हें बेआबरू करके हटाया है, उसके संदेश आज एक बार फिर से सामने आए, क्योंकि उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके बदले फिर चिराग पासवान ने भी गुस्सा दिखाया और जो पांचों सांसद थे जो बगावती हो गए थे उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। कल 1 बजे क्या होगा भविष्य ये पता चल जाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एलजेपी के फैमिली ड्रामे में आज काली कांड जुड़ गया। दिल्ली में सियासी घमासान के बीच पटना में चिराग पासवान के समर्थकों ने बगावत करने वाले नेताओं के पोस्टर पर काली पोती। इसे आप यूं समझिए, दिल्ली में चिराग को अध्यक्ष पद से बेदखल किया गया और इसका सियासी इफेक्ट सीधे पटना में दिखा। अचानक से चिराग पासवान के समर्थक जो है वो पहुंचे थोड़ी देर पहले और उन लोगों ने पार्टी दफ्तर के अंदर वो घुस गए। उसके बाद नारेबाजी की, चिराग पासवान के समर्थन में उन लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद भी बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके जो तमाम 5 सांसद हैं पशुपति पारस के नेतृत्व में, जिन्होंने कह सकते हैं बगावत की है या जिनकी वजह से पार्टी में टूट हो गई है, उनके फोटो को यहां पर जो है उस पर कालिक पोत दी गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए, जब रामविलास पासवान जीवित थे तो शायद ही इस तरीके की तस्वीर कभी आपने देखी होगी, लेकिन उनके मृत्यु के 8 महीने के अंदर पार्टी का झगड़ा देखिए सड़कों पर आ गया है। काली कांड के हाई वोल्टेज ड्रामे के पीछे क्या वजह है, इसे आप चिराग पासवान से जुड़ी 4 बड़ी खबरों से समझिए। खबर नंबर 1, चिराग पासवान को अध्यक्ष पद से हटाया गया। खबर नंबर 2, आरजेडी और कांग्रेस ने चिराग को ऑफर दिया। खबर नंबर 3, चिराग ने तख्ता पलट पर इमोशनल चिट्ठी लिखी। खबर नंबर 4, एलजेपी की कमान पशुपति पारस के हाथों में है। चिराग पासवान ने पूरे घटनाक्रम को अपने शब्दों में बयां किया, ट्वीट करते हुए लिखा, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। बहुत दिल में हम लोगों को पीड़ा हुई है और जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय चिराग पासवान जी को, न कार्यकर्ता किसी देश में और न बिहार में माफ करने वाले हैं। पारिवारिक लड़ाई में रामविलास पासवान की पार्टी टूट गई। दिवंगत रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी ने सबसे बड़ा नेता खोया था, लेकिन अब पार्टी बिखर गई। तख्ता पलट पर चिराग ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और 5 बागी सांसदों को निष्कासित कर दिया, यानी चिराग अभी भी अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। आगे क्या होगा, बुधवार दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग बताएंगे। पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे चिराग पासवान के राजनीतिक सफर को देखें तो पिछले 7 सालों में उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा है, लेकिन अब जो नए हालात उनके सामने पैदा हुए हैं उसकी वजह से वो लोक जनशक्ति पार्टी में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा ये खुद एक बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरा पर्सन नदीम आलम और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। बिहार के बाद